एक्चुअली अगर मैं अपने करियर के बारे में बताऊं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ा होकर सिंगर बनूंगा या मतलब कि इस फील्ड के अंदर जाऊंगा. तो व्हेन आई वाज इन फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड, मतलब मेरी मॉम ने कहा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी आकर सीख ले, मतलब कि स्कूल वगैरह में कहीं भी ट्रेनिंग वगैरह ले. तो देन मैं जयपुर में गया था, तो वहाँ पर मैंने अपना स्टार्टिंग म्यूज़िक थोड़ा वन वन मैंने म्यूज़िक सीखा. तो लेकिन वन वन के बाद मेरे जो टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, तो उन्होंने मेरे जो फादर हैं उन्हें बुलाया कि अपने मतलब मुझे कहा अपने फादर को बुला के आओ नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आएंगे. तो मैं तो काफ़ी डर गया था, और जब मैं पहुंचा कहते हैं तो मैंने अपने फादर को लेकर गया नेक्स्ट डे, तो मेरे टीचर ने बोला कि गौरव को म्यूज़िक में आगे बढ़ाओ. कहते हैं जिस लड़के ने वन मंथ में वो करके दिखाया जो इंसान 1-1.5 साल या 2 सालों से लग जाते हैं वो चीज़ अचीव करने के अंदर, तो म्यूज़िक में काफ़ी टैलेंट है. तो फिर मेरे को ये म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगने लगा. मैं डेली प्रैक्टिस करता था, मतलब कि सारे दिन उसी में लगना, क्योंकि मेरी समर वेकेशंस पड़ी थी तब मैंने सीखना शुरू किया था. तो उस वक्त से लेकर अब तक कितने सालों का टाइम, मैं 16-17 साल हो गए कहते हैं इसी को मैं सीखता रहा. अभी भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ मैं, क्योंकि रियाज तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर. और सपना था ऑब्वियसली मेरा, कहते हैं कि आगे जाके सपना बना कि मैं सिंगर बनूँ, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बिल्कुल हो गया है. और इसके पीछे काफ़ी की जर्नी रही है, जैसे कि मेरा ऑल इंडिया रेडियो के अंदर मैं आरजे हूँ, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है. 6 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ AIR के लिए, तो बहुत काफ़ी मुझे सहारा मिला और एक उम्मीद मिली और कुछ कर दिखाने का एक मौका मिला, और अब जाके ये मेरा सपना जो हकीकत में बन गया है और आप सबके सामने हाजिर है मेरा सॉन्ग तू प्यार है मेरा. एक कितना डिफिकल्ट होता है एक खुद का प्रोडक्शन खोलना, फिर मेकर्स को जमा करना, जी हो गया जैसे भी आपने जी कहा, जी कितना डिफिकल्ट मानते हैं इस चीज़ को? एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट है. अब आप कोई भी सॉन्ग देखेंगे, मतलब कि आपने जस्ट नॉर्मली एक सॉन्ग देख लिया है ठीक है, अब आप उसे एंजॉय करें, लेकिन जो उसके अंदर वर्क करता है पूरा, हर चीज़ मैनेज करता है, वो उसे ही पता होता है कि कितना हार्डवर्क लगता है. आप पूरी टीम को एक साथ लेकर चलना, काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी हकीकत में कब तब्दील हो जाए आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे. तो हाँ, मेरा सफ़र था कि मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 2012 में मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, कॉर्बियम क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड. तो फिर धीरे 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 मतलब मैंने काम किया. अब फिर उसके पीछे हमने कहते हैं लाइक सबसे पहले ऑडियो तैयार किया, देन वीडियो, फिर कहते हैं ऑडियो के बाद मैंने तारा अलीशा वेरी को कहते हैं सॉन्ग सुनाया, तो काफ़ी उन्होंने पसंद किया है सॉन्ग को और वो काफ़ी इंटरेस्टेड हुई सॉन्ग के लिए कि करने के लिए. देन हमने साथ में वर्क किया, उसके बाद नहीं फिर हमने वीडियो करा, वीडियो करने में फिर चैलेंजेस, उस वीडियो को करना, फिर वीडियो करने के बाद एडिटिंग एंड ऑल, फिर जी म्यूज़िक के साथ एसोसिएशन. तो मतलब कि एक स्टेज बाय स्टेज मतलब कि आपको टास्क मिलते रहेंगे करने के लिए, और ऑब्वियसली स्ट्रगल तो है इसके अंदर, लेकिन मेरा कहना ये है कि आपके अंदर आपके दिल में वो विल पावर होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए. कभी भी हताश ही नहीं होनी चाहिए, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाता है, ऐसी स्ट्रगल वाली चीज़ आती है कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को फेस करना चाहिए. बुरा वक्त है, कुछ टाइम बाद वो अच्छा वक्त भी आएगा और आपको एक सक्सेस ज़रूर मिलेगी. और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये एक्सपीरियंसेस. जैसे अभी आपका सॉन्ग जो काफ़ी पॉपुलर हिट हो चुका है बिल्कुल यूट्यूब पे, बिल्कुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू के सो लिए। मच. पूजा भी तारा लीशा तारा अलीशा की बात करें जी. तो उनको कैसे कन्विंस किया गया, और लिरिक्स की बात करें मतलब बहुत ही रोमांटिक मेलोडी सॉन्ग है, जी जी उसके बारे में थोड़ा। देखिए, तारा अलीशा वेरी को कहते हैं, मैंने आपको जैसा भी बताया कि सबसे पहले देखो, कोई भी अगर एक्ट्रेस, आप कोई भी किसी के, आप किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस किसी को अपने साथ में अच्छे लोगों को आपको ऐसा एसोसिएट करना है, तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट में वो दम होना चाहिए ठीक है. तो मैंने उन्हें वो सॉन्ग सुनाया, मतलब कि उन्होंने मेरी आवाज़ को काफ़ी सराहा और वो खुद ही काफ़ी इंटरेस्टेड हुई उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक सॉन्ग बहुत अच्छा है. इवन इसका कहते हैं रिजल्ट सामने आ भी गया, कहते हैं ये 1.5 लाख के करीब व्यूज़ कहते हैं क्रॉस करने वाले विद इन 2 डेज़, वो भी ऑर्गेनिक हमारे जेनुइन व्यूज़ व्यूज़ है इसके अंदर, तो बहुत बड़ी बात है. कहते हैं काफ़ी हिट होता जा रहा है और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे.
आपके एक्सपेक्टेशन पे उतरा है सॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इवन मेरे साथ कहते हैं, मेरे जो मैंने अपना AIR का जो करियर है, इवन काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, सब ने सराहाया। जैसे मेरा भी कल मेरी मीटिंग थी गुरमीत चौधरी के साथ, तो मैं कल घर गया था उनके, तो उन्होंने जस्ट मेरी वीडियो देखी तो सच में उन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं लास्ट ईयर गुरमीत के घर गया था, तो उन्हें मैंने ये सॉन्ग सुनाया था, तू प्यारा मेरा। तो मैंने कहा था कि गुरमीता ब्रदर मेरी कहते हैं नेक्स्ट ईयर तक मेरा प्लान है कि मैं एल्बम करूँगा और चीज़ें। तो मैं जैसे कल उनके घर गया, मैंने उन्हें सॉन्ग दिखाया, तो उन्होंने कहा गौरव कॉन्ग्रेट्स, आपने जो बोल कर गए थे वो आपने कर दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कोई नेक्स्ट सॉन्ग में गुरमीत को कन्विंस मैं गुरमीत से किया मैंने कल बोला है, कहते हैं कि ब्रदर कहते हैं आगे मेरा है कि चांसेस की मुझे बॉलीवुड मूवी का भी मेरा है कि मैं आगे बनाऊं अपने प्रोडक्शन हाउस से, जल्दी शायद ये सपना भी मेरा बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि सपने देखो और फिर उसके ऊपर लग जाओ काम करने के लिए। तो मैंने कहा ब्रदर आपको मैं ज़रूर कास्ट करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो कह रहे कि ये मेरा सपोर्ट आपके साथ बिल्कुल हमेशा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई जैसे एम ऑलवेज विद मेलोडी यू। सॉन्ग आपने निकाला है, आगे चल के मेलोडी ही के साथ रहेंगे, आगे कुछ दूसरा ऐसा अलग सिंगिंग का कुछ ऐसा सोचा है अलग? देखिए, इंसान को वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी वर्सेटाइल कहते हैं सिंगर हूँ, ऑब्वियसली हर टाइप के गाने गाता हूँ, सूफी हो, रोमांटिक हो, सैड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी, सब तरह के म्यूज़िक को पसंद करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरा जो मैं ओल्ड सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो ओल्ड सॉन्ग है किशोर दा के, रफ़ी साहब के, और नए भी सिंगर, मतलब कि सेलेक्टेड चूजे सॉन्ग, मैं जो मेलेडियस हूँ वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, जो दिल को छुए। म्यूज़िक मेरे अकॉर्डिंगली म्यूज़िक वो है जो इंसान के दिल तक पहुंच जाए, इंसान के दिलों को छू जाए। मैं इस तरह की ही कंपोजिशन करता हूँ, इस तरह की म्यूज़िक बनाता हूँ, इस तरह के सॉन्ग में काम करना, मतलब कि लोगों के दिल तक जो टचिंग हो वो चीज़ काम करना मुझे बहुत पसंद सिंगिंग की बात करें तो AR रहमान सिंगिंग सेंसेशन कहलाए जाते है। हैं, जी, तो उनके बारे में उनसे कुछ इंस्पायर हैं आप? उनका जो मतलब कि उनके बारे में बहुत बड़े इंसान हैं, और मतलब कि म्यूज़िक से हम बात की जाए तो मतलब कि उनका म्यूज़िक सेंस है, मतलब कि उसे हम बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और मैं तो चाहूँगा कि AR रहमान साहब अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे तो मुझे ज़रूर चांस दें उनके साथ काम करने के लिए, मैं बड़ा इच्छुक हूँ कि बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और उनके म्यूज़िक से भी मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी का म्यूज़िक सुनता हूँ, और ऑब्वियसली हर किसी के म्यूज़िक का करने का अलग स्टाइल होता है, मेरा अलग स्टाइल है, अंकित तिवारी भी म्यूज़िक डायरेक्टर है, उनका भी अलग स्टाइल है, और हमारे पुराने सिंगर हैं RDA बर्मन जी, पंचम दा जी, मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है, हर किसी के सिंगर का, हर किसी म्यूज़िक डायरेक्टर का। तो हाँ, मैं हर किसी से सुनकर वो चीज़ अपने अंदर थोड़ा लाता हूँ कि क्या तरीका है, फिर अपना भी कोई स्टाइल होता है, तो ये चीज़ है। सिंगिंग की बात करें तो अभी AR रहमान की बात करें तो उसमें से आपको उनका मेलोडीज कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको काफ़ी पसंद है, जो आपको ट्रिब्यूट बनाने का मन है? मुझे एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है उनका, दिल से का। तो ऐसा सोचा है कि मैं मौका मिले आपको तो गाने का तो बिल्कुल आप उनका लाइन मैं पे आपको जाइए। उनकी दो जैसे लाइन, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है पुराने गानों का बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिब्यूट बनाया जा रहा है, हम्मा हो जाए या फिर बहुत सारे ऐसे गाने हैं। मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहूँगा, मुझे उनका जो एक फेवरेट सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, रहमान साहब का जो कंपोजिशन जो उदित नारायण जी ने गाया है, अजनबी तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही। कभी आवाज दे कहीं से, थैंक यू सो मच। दो लाइन आपके एल्बम के भी सुनना चाहूंगा। ओह श्योर, बिल्कुल, मैं आपको एल्बम का सुनाता हूँ। तू प्यार है मेरा, दिलो जान है मेरा, तुझसे ही पूरा हुआ
अब ये जहां। तू प्यार है मेरा, दिलो जान है मेरा, तुझसे ही पूरा हुआ अब ये जहां। फिर क्यों ना मैं कह दूं एहसान है तेरा, जन्नत सी है जिंदगी जब तू है यहां। वो बिल्कुल कितना अच्छा लगता है एक गाना बनाने के बाद, खुद के प्रोडक्शन से उसको कंपोज किया है आपने। जी जी लिरिक्स की बात करें, बहुत ही मेलोडी है जी, तो कितना प्राउड फील हो रहा है जब? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है सच में कहते हैं, और मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और मैं चाहूँ कि ये रिस्पॉन्स इस तरह बरकरार रहे और इंडस्ट्री में ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे काम लोगों के लिए लाता रहूँ और लोग मेरे काम को सराहें, क्योंकि अब ये सपना सच में तब्दील हो चुका है और लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। किस तरह का अप्रिशिएशन मिला है, कुछ कमेंट ऐसा कुछ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी या बॉलीवुड इंडस्ट्री में से? मैंने को जैसे गुरमीत का एग्जांपल दिया, और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब कि और इवन क्या कहते हैं लाइक जो फैंस हैं उन्हें काफ़ी रोमांटिक ऑप्शन, मतलब कि और मेरा जो उन्हें एज एन एक्टर भी कहते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने सराहा है उसके अंदर, क्योंकि इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और फर्स्ट प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया है उसके अंदर, तो कह रहे हैं कि लाइक इट्स रियली वेरी ऑसम, और आप इसी तरह यूं ही काम करते रहें और हमारे so, लाते रहें। सच टाइप ऑफ सॉन्ग्स तो अभी है मेरे, एक्चुअली मैंने 8 songs रेडी किए हुए हैं नेक्स्ट एल्बम के लिए, मतलब ऑडियो ऑलमोस्ट रेडी है, तो वो भी किसी ना किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ही आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। मैं व्यूज़ को ये कहना चाहूँगा कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप तो देख भी रहे हैं, और इसी तरह देखते रहिए मेरे सॉन्ग को भी देखते रहिए, और खूब सारा प्यार दीजिए मुझे, और मेरा पेज है उसे भी लाइक कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए सोशल साइट्स के माध्यम से कैसे भी, मैं आपके लिए हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, आपको एंटरटेन करने के लिए, आपके दिलों में राज करने के लिए, सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया।